दोस्तों अक्सर मरीजों की शिकायत रहती है कि मेरा ग्लूकोमीटर रिपोर्ट ठीक नहीं दे रहा, उसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आखिर ये कैसे जाने कि आपका ग्लूकोमीटर ठीक है, काम कर नहीं कर रहा? तो जान लो कि मार्केट में हर ग्लूकोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है दो कंट्रोल सोल्यूशन देता है। तो आप महीने में कम से एक बार आप अपने ग्लूकोमीटर का रिपोर्ट इस ग्लूकोमीटर कंट्रोल सोल्यूशन से आप क्रॉस चेक करिए। जैसे मेरे पास, हम लोग क्लिनिक में हम लोग एक्यूचेक इंस्टेंट ये मशीन ग्लूकोमीटर यूज करते हैं। तो इसके साथ साथ क्या देखिए, स्ट्रिप पे देखिए, इसमें स्ट्रिप लिखा हुआ है कि अगर आप दिखाओ इसका स्ट्रिप पे, तो इसको देखिए लिखा हुआ है यहां पे ये देख रहे हैं एक लेवल वन लेवल टू, ये बेसिकली ग्लूकोमीटर का जो टेस्ट सोल्यूशन है। अगर टेस्ट सोल्यूशन वन होगा तो उसका रिपोर्ट 30-60 दिखाना चाहिए। तो इसमें देखिए मैं दो ग्लूकोमीटर सोल्यूशन है, पहला ये सोल्यूशन कंट्रोल सोल्यूशन वन है ये, और इसको मैं स्ट्रिप डालूंगे जस्ट लाइक ब्लड शुगर टेस्ट कर, हम ब्लड डालते हैं तो उसका वैल्यू जो है और 30-60 बीच आ रहा है, इसका तो हमारा स्ट्रिप ठीक काम कर रहा है। इस तरह से अगर लेवल टू डालें हम, ये लेवल टू सोल्यूशन है और ये डालेंगे तो उसका वैल्यू जो है 252 से 342 के बीच आना चाहिए। तो अगर ये दोनों इस रेंज का आ रहे हैं, आपका जो रिपोर्ट दे रहा सही दे रहा है, तो अब मैं आपको अपने सामने चेक कर दिखाता हूँ कि क्या रिपोर्ट आ रहा है। तो अब हम जा रहे हैं ग्लूकोमीटर के ऊपर। लो बेटा चलो, तुम मेरा पिक करो, स्पीड शो आप लोग, सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग। मैं खाना खा के आऊंगे, हैवी ब्रेकफास्ट करके। तो सबसे चेकिंग के लिए पहले आप तो एक तो पहले ये डालोगे, उसके बाद इसको साफ करने के बाद सूखा करना पड़ेगा। सूखा नहीं रहेगा और गीला रहेगा, कितने बार क्या होता है कि स्पिरिट शॉप से पानी साफ किए और गीलम सैंपल लेते, गीलम सैंपल लोगे तो ब्लड डाइल्यूट होकर के शुगर आपको वैल्यू कम आएगी। तो सूखा ना बहुत जरूरी है। चलो प्रिकअप ध्यान, सूखा ना बहुत जरूरी है। हमने प्रिक किया और प्रिक करके हमने इसे सैंपल दे दिया। नहीं 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 सर, एक मिनट, एरर दिखा रहा है उसमें। तो दूसरा रुको, चलो बात हो जाएगा। मेरा आया 138 आया, ठीक है, दिख रहा है 130 दिख रहा है। अब चलो अब कंट्रोल सोल्यूशन लो, चलो सही से डालो, इसे डालो, अब से कंट्रोल सोल्यूशन डालो, नंबर वन डाल रहा हूँ मैं, इसे हिलाना पड़ेगा ना। हाँ सर, हिला लिया हमने, बढ़िया हिला लिया। अब इसमें वन ड्रॉप डालेंगे, इसमें 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 साइड में डालेंगे वन ड्रॉप। ये देखिए क्या रिपोर्ट आ रही है, 48 आना चाहिए, इन बिटवीन 36-60 ओके है। अब स्ट्रिप नंबर टू डालो, स्ट्रिप नंबर टू एक और लगा स्ट्रिप, तो ठीक है 40 आ रहा है मेरे पास। ओके सर, देन अप्लाई कंट्रोल टू। सर ये कंट्रोल टू है, इसमें सर ये हाँ वन है, टू है, आप जो मैंने ये टू सर, दिस इज टू है, टू है सर, टू है, दूसरा है ये, टू दूसरा है। ये हम डाला कितना है 291, ये आना चाहिए कितना, कितना लिखा है बिटवीन 252-342। तो ये दोनों कंट्रोल सेल वन और टू के रेंज के अंदर है। इसके बाद आपका जो ग्लूकोमीटर रिजल्ट सही दे रहा है और आप अपने टेस्ट रिपोर्ट को रिलाय कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर डाउट हो तो अपने अपने कंपनी से बोले कि मुझे कंट्रोल सोल्यूशन दीजिए, उससे अपना ग्लूकोमीटर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आपका स्ट्रिप और ग्लूकोमीटर ठीक काम कर रहा है। तो आई होप आप इसे नॉलेज मिली कि ग्लूकोमीटर की
रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी कैसे टेस्ट करना है। और वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।